हमारी पैतृक भूमि के ऊपर फिर आक्रमण हो रहा है। जो फक्र किया करते थे यहां कि हड़ाई कदम में नाप देंगे इस नवलगढ़ को, पूछना चाहता हूं बदराणा जोड़ की तरफ कभी कदम रखे देखा गया दोबारा जब शासन बदल गया? आपने जो फैसला किया है, हाथ जोड़ के आपको कहना चाहता हूं, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। विद्वान कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन रावण का अहंकार नहीं छोड़ा तो आपने भी काम ठीक ही कर दिया। ये आपके जाट और राजपूत की एकता की नहीं, 36 बिरादरियों की एकता की, वोट की, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। बड़े सभी किसानों को तो एक आवाज के साथ में उस खेत में जाके जहां से स्टार्ट होते वहां जाके बैठ जाना, कोई भी माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो अपने किसानों की जमीन एक इंच खरीद सकता है। वो कभी 500 बीघा पंजोड़ो बसाओ सरपंच 2011 में अनुसी रेती बेचती हो, कोई बोल बोलियो जय जवान। बोझाना जोड़ा में रेल रोको संघर्ष समिति की तरफ से बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का आगे हार्दिक स्वागत। संग्राम जी कई दिनों दिखे ही मानता जब SDM हाजना देखा है, साहब आपको भी स्वागत। किसान सभा का जिला महामंत्री मदन जी यादव जी है, आपको भी स्वागत। बाकी सरपंच तो सरला बैठे हैं भाई, थानु सको स्वागत। चुड़ीवाल जी बैठे हैं टेन, आपको भी स्वागत, क्योंकि नौलगढ़ से बचावाना है। साहब देखे ना रेल आवेगी, संघर्ष करें रेल आवा बनी, सीमेंट फैक्ट्रिया को भी संघर्ष करियो, सीमेंट फैक्ट्रिया लागती बनी, लेकिन ऐठे बैठे जगह सरपंच लगा दी। सगला एनओसी दिनी दिनियों की विकास हो सी था ना। एक बात और कहूँ मैं, अभी अठे कसाई फिर रहे हैं थाने काट पाने, काटेंगा सुन लीजियो, काटेंगा अठे वो लल्डी कतरी जाएंगी, क्योंकि कतरी से यहाँ जाएंगी कई लोग फिर रहे हैं बोली लगा पाने, बेच जाऊंगा फैक्ट्री वाला ने पहले ही आज जमीन तो मेरला आदमी के रेल में मैं दिवा देश हूं। 500 बीघा पंजोड़ो बसाओ सरपंच 2011 में अनुसी रेती बेचती हो, कोई बोल बोलियो। अब आज स्थिति है 1.5 लाख बीघा जमीन बिक्री 26 लाख रुपया संघर्ष के तौर से मिली है, बैठे भी लोग कति नहीं चला देनी, सोच वाली बात है। मेरो तो कहो है अब जो सर्वे हुए हैं बिकमान गिरदावल पटावरी सरपंच तीनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, अब किसाना की जमीन नजर कतन की जहां काट देनी त्रिकोणी बना देनी, आकी एनओसी बगैर जांच बगैर कोई नहीं, 2 बीघा की जमीन है बिको भी यहां मालो पतंगी जहां करी है जान देख लो मसलो नक्शो देखे, एक ही भी किसान को गिरदा बीघा खसरा माकर मतलब यहां बीच का टुकड़ा को ये त्रिकोणिया टुकड़ा है। चंदीराम जी थे ये विभाग में जुड़े रहा हो, इं कटे जटिकर कटे ट्यूबवेल आ जा मकान आ जा खेत में कोई और क्यों बने अभी डेढ़ी डेढ़ी काटी है कटता नहीं, 2 बीघा का जमीन है भाई 1.5 बीघा तो आगे आधी 5 बीघा ठीन रहेगी 5 बीघा और ठीन रहेगी बताओ, बहुत बुरी दशा बिगड़ रही और पटवारी करिए विशेषकर पटवारी और गिरदावल भाई वहाँ की जिम्मेदारी है सरपंच की जिम्मेदारी है, ठीक है सर्वे हो रहे हो तो मेरा तो कहण है भाई बसावा ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मेरी है, मारा गणकरी मारा समाज की मीटिंग बाहर आ रही है बटीकर जमीन बी की जमीन की जिम्मेदारी मारी है, मैं गोले जवाब था 1 करोड़ रुपया दिया पहले आ है। दूसरी बात है भाई सीकर जिला की सीकर जिला जिम्मेदारी संभालो, दुर्जनपुर का दुर्जन संभालो और खिरोड़ की जिम्मेदारी महावीर जी की है, ए भाई कतरे छोटे ऐ जाना काम जाना, देखो सही बात है मैं तो आ कह रही हूँ लोग एज का। अब देखो इनकी बात यह है मैं अठे तानिया बता दूं भाई इमेज का खसरा रहे भाई किसान करता ही भाई हाथ खड़ा करियो त्या के खसा जो आप पहलो निवेदन है दारों का बेमतलब में सागे रो लड़ो बराबर मुआवजा देवांगा, मेरो ई सीमेंट फैक्ट्री का मान 12-13 साल सु लड़ाई लड़ रही हूँ, 1 रुपया की सोकन बता दो कोई रिपोर्ट दी हुआ सीमेंट फैक्ट्री वाला पानी भी पाए हुए हैं मारा कैसे इस तरह साथी पाल काल पर उद्घाटन हुए हो बड़े जाट जिमुना को बुलाओ हुआ है मान दो कोई गंदी हो। तो मेरा तो निवेदन है कि भाई या तो या 2 बीघा जमीन है तो सीमेंट फैक्ट्री वाला भाई 1 करोड़ के हिसाब से 2 बीघा जमीन 2 करोड़ रुपया दे दो पूरी देंगे, क्योंकि भाई पापा भी को मिकटे रखेंगे
अर नहीं जाबा गोंदिया। तो दो चीजें हैं जिया छोटू राम कहोगे ए बोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन का पहचाना सीख ले। तो न तो किसान बोलना सीखो न दुश्मन ने पहचानो सीखो। तो आज ये भी जरूरी है, आज सोच रहा होगा कि भाई अपनो दुश्मन तो कौन है और आपनो वो भाई आपनो आदमी कौन है। तो मैं तो एक ही कहूँगा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। तो एक नारा लूंगा लगाऊंगा, लड़ेंगे आप कहोगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बे फैक्ट्री वाला है जगह बे एमएलए ने एमपी ने बंद कुछ पूछवा के लाग रहा। बाकी मन में आ है कि ये सारा का सारा प्रशासन ने और शासन ने राजतंत्र ने बाकी मन में आ है कि मैं सगड़ा ने गोजिया में गाल रखे हुए। मेरे तो यहाँ लाग रही है बात ने कई, मैं तारी बात को कोई कटाक्ष कौन कर रही हूँ, मैं तारी बात को स्वागत करूँ कोई सरपंच करी उसी, लेकिन बाकी का सरपंचा ने बेरो तो कोई बात को। ये रेल लाइन को सर्वे करवा आया जनाब बे केकरी के रेलवे वाला हा संयोग से जगदीन में तो होगो नहीं, मेर से छोट क्यों भाई हो। और वो केक रे के गुरु जी राजूलाल जी बैठे है रे, बाकी का बे ए बाकी का सारा अठे बैठे जगह बीर ने भी के सिद्धांत से ज्यादा जाने। बे एक गाड़ी एक स्कॉर्पियो बंगन काली सीर बे ले रहा और जगदीन तो बे बिन वो बढ़ू आओ अठी ना हो करो दिनों में चले गया यार। दूसरे दिन में मेर के नया मैं होगो नहीं बे पूछो बार ने बो जखी भाषा ने बोलनी चाहिए बा भाषा बोलेगा ने मकोड़ा की जांटी के बांध दियो राखो वो कर दियो रा का कपड़ा खोल दियो। बे भी कर्मचारी हाँ रेलवे का बे भी की करता बे झूठ बोले हाँ एक पाइपलाइन ले जाओ हाँ एक बार ले जाओ हाँ बे ले जाओ। मैं कह रही हूँ कि बे ड्रोन से कद सर्वे करवायो कद खटियोर करवायो। अब भी के बाद के मैंने ए सुरेंद्र सिंह जी बैठे हेडे काल परसु विजयपाल जी डॉक्टर मेरकर ने व्हाट्सअप भेजियो कि भी कोई एक गजट नोटिफिकेशन जारी होगो मैं व्हाट्सअप करूँ था। मैं बोलू भेजो, भेजने के बाद में मैं अन फोन करता ही बोलिया कि मैं बा कसरा नंबरा ने सारा ने देख लिया थे अबार कह रहे हैं जी अबा ने सहन एक्चुअल में तिरछा चीरे बामू कोई सीध आई गए मैंने कोनी यहाँ भी कोनी कह दो टुकड़ा कर दिया कोई को तो यहाँ को डेढ़ टुकड़ो करियो कोई का पूरी दो टुकड़ा करे है एक अठिन रह गुर एक अठिन रह गुर। बात मेरे कहने को मतलब वो है के ईव के मायने जय संघर्ष समिति के मायने जो भी थी काम कर सियो महाने काम उड़ा सियो बी के लिए मैं तैयार हाँ आधी रात का भी थे कैसे जटे तैयार हाँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ही जगह सौदाबाजी जगह दुकानदारी चला बड़ो जो काम है ना वो काम नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ो जो काम करवा के लाग रखियो बे दीप सिंह जी उर बैठे बैठे यार बे थारे साथ के मायने थे यादव जी बताओ थे वो तो वो आदमी हो जो बरसा बरसतानी भी एक चारणी फाटकी जहाँ दूसरी बदल ली दूसरी फाटकी जहाँ तीसरी बदल ली लेकिन वो धूप के मायने बैठी रही उन्हें बरसो बरस बाकी कोई कोई तो कड़ा ही बेचर चली जातो। और अब भी भाई है आज मैं कह रही हूँ कि बहुत सारा आदमी तो बे है जिखाने कोई शायद है कि भाई आपकी लोकेशन गे रहा है उसी के बेरी कड़े सीख है। सबसे पहली अगर कोई आज की दुकानदारी जमावे ना जखा जमा वाला भी बई है जखानी बात कोई कुनबेरो ने बे है ने बाकी कोई जमीन जारी ने बाको कोई और जारी हो ने क्यों हो रियो ने कोई और बे सबसे पहली काम वो कर सी। कई कई तो इया का भी है के भी कंपनी के ऊपर भी फैक्ट्री के ऊपर थोड़ा सो दबाव गिरे ने ना और तो क्यों गुन तो के यार मेरा चार पांच छोरा ही भर्ती कर ले क्यों ही नहीं उसी ने तो वो भी काम कर ले सी। फैक्ट्री अति सियाणी है गोठड़ा के मायने भी जिखाने अगर पोस्टिंग दी है ना कोई लोकली आदमी ने जिखा की मैं देखभाग लाग रही हूँ कि भी की ज्वाइनिंग ब्यावर करवाई है और ब्यावर से भी की पोस्टिंग अठे है वो ज्यादा तीन पांच करे जाना भी को ट्रांसफर वापिस कैंसिल कर दे और वो ब्यावर ज्वाइन कर ले। ए अता बड़ा उद्योगपति अता बड़ा पीछाणा अता जगह सरकार ने चला बड़ा है बे अपने जिया का सरपंचा ने और बाकी का ने कोई सा ने क्यों पूछे कोई सो अगर यहाँ मन में लागे ने भी साहब मैं तो कोई तीस मार का हूं और मैं तो भी कर दिशू मैं कर दिशू बाकी को कोई सोई कोई को नहीं है था कि बात को मैं एक चीज को बड़ो स्वागत करूं कि थे कम से कम भी ई बीड़ा ने उठायो एक बात। दूसरी बात अगर जखा की भी जमीन जा रही है मैं थोड़ा सा कड़क रहे आपस से सागे रहा बी को मुआवजो है ना बी को बड़ो उचित मुआवजो मिल सके अपन एक आ बड़ी जोर की बात है कि वो आपा जिया जखो जो मन के मैंने चाहने कि भाई मैं वो अतो सारो मुआवजो लिया बिना वो काम को नहीं करा वो बतो काम हो सके जखो को क्लर्क साहब बैठे हैं आनी बात को बेरो कि सरकार जखा को नोटिफिकेशन जखा को जारी कर दियो बी के बाद के मैंने आंदोलन कर एक ही काम कर सका आपा के बी की जो उचित मुआवजो है ना जो आपा चाहवा
वो मुआवजो में तय कर सके है। ने तो शायद मेरे हिसाब से बाकी के नहीं इनको कोई प्रावधान हो लो के बिन बे आगे या पीछे कर दे, ने भी यहाँ को कोई प्रावधान हो गो के भी को डायरेक्शन चेंज कर दे, शायद है मेरे हिसाब से तो नहीं हो लो। और बाकी को उसके मन नॉलेज नहीं भी हुआ भी जटे तक मन नॉलेज है सो फार एज नोन टू, जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद यही है। लेकिन अगर हो सके कलेक्टर साहब ए बैठे ज्यादा विद्वान है अन्य बात को ध्यान है कि शायद हो सके क्या नहीं हो सके, लेकिन मेरे अंदाज के मैंने शायद है कि जटे तक मन नॉलेज है कि नहीं हो सके। मैं अपन मार्गदर्शन देसी भी मार्गदर्शन के मायने में अपना मेथारे साथ के मायने आबर समझ भी काम के लिए कदे भी पीछे को निरार थारे आगे रहे। जय हिंद जय भारत। फोन कर लियो रात ने 1 बजे भी फोन चल रहा था पहुंच जाऊंगा ले डांगर की मेरी टीम है सगे पूछ जाऊंगा सर किसाना सगे। और रही बात यादव जी सरपंच की, सरपंच सही बिकवाल कोनी सही कोनी सरपंच से आपको जमीन रख है बन बेरोई कन पड़ेगी रेल लाइन करने से चग्गी करने से के काम कहन बेरो कन पड़ा कहन बेरो पड़ जाए तो भगवान आंग मीच ले भाई अलग बात है। अब रही बात है कि जैसे कि अपना फांडन परिवार है इसका मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ कि इसने इतनी बड़ी आयोजन मीटिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात अपने सब किसान बैठे हैं तो सभी किसान भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें अपने को यह नहीं देखना है कि कौन सी जात का है कौन सी पात का है क्या है, अपने को सबको एकजुट होके और संघर्ष के साथ लड़ाई लड़नी है। जहां भी जरूरत पड़े सभी किसानों को तो एक आवाज के साथ में उस खेत में जाके जहां से स्टार्ट होते वहां जाके बैठ जाना, कोई भी माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो अपने किसानों को जमीन एक इंच खरीद सकता है, वो कभी नहीं खरीद सकता और न उसके अपने ऊपर की जा सकता, लेकिन अपन सबको एकजुट होना है और संघर्ष साथ लड़ाई लड़नी है। जय हिंद जय भारत। किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज जो सीमेंट फैक्ट्री के लिए रेलवे लाइन का निर्माण जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार सोच रही है उसके विरोध में गांव गांव डांडी से पधारे हुए मेरे किसान पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथी मातृशक्ति और मंच पे विराजमान सभी मानव सम्मानित मंच मेरे मीडिया के बंधुओं, बातें जो इस विषय में होनी चाहिए थी लगभग बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं, वही बात दूसरा बताएगा तीसरा बताएगा। निश्चित रूप से जो बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं वो बिल्कुल सत्य बात बताई आप लोगों को कि सब लोग मिलकर के यदि हम रहेंगे, हम सब लोग मिलकर रहेंगे, सब मिलकर के बात करेंगे और एक जाजम पर बैठ करके यदि इस बात का फैसला करें इसकी जमीन हमें देनी है या नहीं देनी है, तो देनी है तो किस प्रकार देनी है, यदि एक जाजम पे आप लोग बैठ करके फैसला कर लेंगे तो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मुआवजा हम जो लोग चाहेंगे, जो वास्तविक मुआवजा होना चाहिए हमारे जमीनों का, वो निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगा उसमें, परंतु शर्त यही रहेगी उसमें जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया इसकी कुछ बीच में से निकल जाएंगे, कुछ आगे से निकल जाएंगे, कुछ पीछे से निकल जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा हम निवेदन करना चाहूंगा जितने भी किसान भाई है, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट भी नहीं है। वो यादव जी अभी आप बता रहे थे आप उसकी बसाव की गारंटी मैं लेता हूँ खिरोड़ की, वो ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रेलवे लाइन के अंदर जितने भी कचरा आ रहे हैं, जिले दो हैं परंतु जो कचरे तो आ रहे हैं ना, कचरे दो आ रहे हैं, दोनों कचरों के जितने भी लोग हैं उन सबसे संपर्क करके एक बार एक मीटिंग का आयोजन आपका संयुक्त रूप से होनी जरूरी है, चाहे वो सीकर का हो चाहे झुंझुनू का हो, तब तो कोई बात बनेगी। सीकर वाले इधर खींचेंगे, झुंझुनू वाले उधर खींचेंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए जो आज इस मीटिंग का आयोजन हम लोगों ने किया उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके लिए आपको 2-4-5 आदमियों को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा उसमें, कि इधर के 3 आदमियों को नॉमिनेट कर दो, उसके भाई सबके फोन नंबर लेकर के उनके सबसे बात करके दिन निश्चित कर लो आप लोग। झुंझुनू वालों से उधर 3-4 आदमी मिलकर के दिन निश्चित कर लें आप लोग, फिर सब लोग बैठे आप लोग, सब लोग बैठ करके एक विचार लेकर के बैठे कि हमारा ये विचार फाइनल है कि इससे पीछे हम नहीं हटेंगे, तब तो ये मीटिंग करने का कोई औचित्य है। अन्यथा चाहे हम बातें कितनी कर लें, मीटिंग कितनी कर लें, भाषणबाजी कितनी कर लें,
कुछ भी हासिल नहीं होना है, क्योंकि पहले बहुत सी जगह हम लोग देख चुके हैं इसकी बातें कुछ होती हैं, काम कुछ और होता है। इसके लिए आप सब लोग जितने भी हैं, 400 हैं, 300 हैं, 350 कितने भी किसान हैं, उन सब लोगों को, हम सब लोगों को एक जगह बैठा करके पहले हमारी बातें उनके सामने हम लोग रखेंगे, और वो बातें रख करके, स्वागत है साहब आप आपका। मैं आपको बता दूं कि एक टेलीफोन में जाके किसी से भी नहीं मिला, न जाके निमंत्रण देने गए, एक टेलीफोन किया, उस पे किसान तो कम है, उनके सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इतने पहुंच रहे हैं कि किसानों को अब ये जगा रहे हैं कि आप अपना हित लो, हम आपके साथ हैं। एक समय वो था जो किसानों को सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलता था। आज जिन भी किसान नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को हमने एक सूचना दी, और एक सूचना पे इन्होंने इतना बड़ा सहयोग और प्यार दिखाया और यहाँ पधारे, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये रेलवे लाइन जा रही है, ये बहुत लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये सरकारी रेलवे लाइन है। मैं खुद व्यापार में हूँ 22 साल से, जो भी सुविधाएं कहीं भी इंडस्ट्री लगती है, बिल्डिंग बनती है या कोई भी डेवलपमेंट होता है, वो खरीदनी पड़ती है। बिजली की लाइन भी जहाँ से पावर हाउस है वहाँ से पैसे देके खरीदनी पड़ती है, और जो चीज खरीद रहे हैं उसका उचित मूल्य हर मामले में खुद जो उसका मालिक है डिसाइड करता है, लेकिन जब भी किसान का मामला आता है वो ही अंग्रेजों वाली बात की जाती है कि उसका मूल्य तो वहां से डिसाइड हो गया, होके आ गया। भाई कहां से डिसाइड होके आ गया? मेरी जमीन। आपको आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बहुत से लोगों को यह दर्द होगा कि रास्ता कितना महंगा मिलता है। ये रास्ता है उसका माल पहुंचाने के लिए, और ये रास्ता तो कॉमर्शियल से भी महंगा होता है। जिन भाइयों के खेतों के रास्ते नहीं है, प्लॉटों के रास्ते नहीं है, कॉलोनियों के रास्ते नहीं है, उनको पता है रास्ता कितना महंगा होता है। और ये किसान मांग क्या रहे हैं? 10,000 रुपए गज मांग रहे हैं, जो कॉमर्शियल का राजस्थान में किसी छोटे से कस्बे में भी इससे सस्ता भाव नहीं है, छोटे से कस्बे में भी इससे सस्ता भाव नहीं। 1 करोड़ रुपए क्या होता है जमीन का? मैं तो कह रहा हूं कॉमर्शियल का रास्ते का भाव एक बार इन किसानों को पूछना चाहिए।